अपना कोई भी भाई आपके पीछे करने चाहे तो आगे कर सकता। भाई किसी ने कोई रोक नहीं है, किसी ने भाई ने कोई रोक नहीं है। जब कोई भाई आना चाहो मजदूर हाँ जी प्रधान जी, आज ये मजदूरों वाला क्या मसला है? मजदूरों के साथ हमारा मंडी आरती एसोसिएशन का कोई मसला नहीं है। ये सोमनाथ या जो इसके साथ मान सर 10 लोग घूम रहे हैं वो अपनी मर्जी से ही कोई मसला लिए बैठे हैं। हमारा तो 6 रुपये क्वांटल को देना तय, वो हम दे रहे हैं। अब कोई 1 रुपये की बात आई है तो वो हम आरती एसोसिएशन में बैठ के उनका देख लेंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना। बाकी हमारा उससे विवाद नहीं है मजदूरों से। वो कह रहा था कि हम प्रधान जी के पास गए थे, उन्होंने अपने हाथ उठा दिए। ऐसी कोई हाथ उठाने वाली बात नहीं है। मार्केट कमेटी में बैठ के बात हुई थी सारी, और वो 3 दिन का टाइम ले गया था कि 3 दिन आप रुको, मैं हम बैठ के कोई फैसला करते हैं, ये बात हुई थी। तो अब आप इसका फैसला 3 दिनों में करोगे? नहीं, हम तो आज वो हड़ताल करके दोबारा बैठेंगे। मैंने पहले बताया जैसे कि हम एसोसिएशन की मीटिंग करेंगे, उसमें देखते हैं इसमें क्या हल निकलता है, कैसे बांटे जाएँ कैसे ना बांटे जाएँ। ये भी थोड़ी गंभीर समस्या है, उसमें विचार करेंगे तो कोई हल निकलेगा, ऐसी बात नहीं। हाँ जी महावीर जी, आज ये उनका क्या मसला था मजदूरों? ये जो आज मजदूरों ने जिस प्रकार का मुद्दा उठाया, उस मुद्दे पर कई दिनों से हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन अब हमारा इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये मामला कॉटन फैक्ट्री का और मजदूरों का है, लेकिन फिर भी एक भाईचारे के नाते फैक्ट्री वालों ने 1 रुपया क्विंटल देना निश्चित किया है। अब मुद्दा ये है कि वो 1 रुपया फैक्ट्री वाले कहते हैं कि आरती जो है वो इकट्ठा करे या उनका प्रतिनिधि इकट्ठा करे, लेकिन हमारे प्रधान आदरणीय श्री मनोहर मेहता जी का ये कहना है कि वो पैसे मजदूर यूनियन अपने आप ले आए, लेकिन मजदूर यूनियन भी इससे सहमत नहीं है और फैक्ट्री वाले भी सहमत नहीं है। तो फैक्ट्री वाले कहते हैं कि ये जो पैसा है मजदूरी का, ये आरती एसोसिएशन ले या आरती का कोई भी प्रतिनिधि आकर हमसे ले सकता है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए, इस पर विचार विमर्श करने के लिए प्रधान मनोहर मेहता जी के नेतृत्व में इनकी अध्यक्षता में शीघ्र ही एक पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें विचार विमर्श करके इस बात का फैसला लिया जाएगा कि यह जो मजदूरी है कौन इकट्ठी करे, हम करें मजदूर करें या उनका 5 सदस्यीय कोई प्रतिनिधि मंडल मजदूरों का वो करें। हाँ जी सर, आज वो मजदूर इकट्ठे हुए थे मार्केट कमेटी में। हाँ जी, हाँ जी। वो किस विषय से लेके? वो मजदूरों का वैसे पर्सनल मैटर था, वो हमारे साथ कुछ नहीं था। इनका तो लेबर का मसला था, लेबर कॉटन मिल वालों ने इनको 1 रुपये क्विंटल देने की कही थी, बट उन्होंने ये कहा था भी हम आरती को दे देंगे, आरती अपने आप इनमें डिवाइड कर लेंगे। तो ये भी यही कह रहे थे भी हम उनसे नहीं लेंगे, हम आरतियों से लेंगे। और इनका 3-3 दिन का टाइम लिया, देखो 2-3 दिन में इनका फैसला जैसे हुआ वैसे सेटल आउट डाउन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें मार्केट कमेटी का कुछ ना, हमारा कोई मैटर नहीं था। वो तो प्रधान था उनका लेबर यूनियन का, वो अपना वो आए थे। वो लेबर वाले आपके पास ही आए थे ना? हाँ जी, हाँ जी, मेरे पास आए थे। उनका बैठ के बात इनकी 1-2 बारी करवा दी। इनका बस सिर्फ यही है भी वो कैसे दिए जाए पैसे लेबर, वो उसी चीज़ का मसला और कुछ नहीं। आपने उनका समझौता करा दिया प्रधान जी का? बिल्कुल, हाँ। इनका बस एक आधे दिन में 2 दिन में बैठ के प्रधान जी भी कह रहे, मैंने फ़ोन पे पूछा था उनसे भी 2-3 दिन हमें मीटिंग करनी थी कैसे लेने हैं उनसे और फिर इनको कैसे देने हैं वो डिसाइड कर ले फिर करते हैं। धन्यवाद।